हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और आज की इस वीडियो में आप देख रहे हो OIS का बाई LED FX3 मॉडल डुअल लेजर फॉग प्रोजेक्टर लेंस, जो कि 3 इंच का होने वाला है प्लस ब्लू लेंस है। तो सामने की तरफ से बॉक्स हमें कुछ ऐसा मिल जाता है जिसके ऊपर ग्रीन और सिल्वर कलर की यहाँ बैजिंग वगैरह दी गई है, प्लस AES की यहाँ बैजिंग है। पीछे की तरफ से बात की जाए साइड में से तो 3 इंच FX की बैजिंग यहाँ दी गई है 5-स्टार रेटिंग के साथ में, प्लस कुछ स्पेसिफिकेशन चार्ट यहाँ पे दिया गया है। तो वीडियो को पॉज करके आप एक्जैक्टली देख सकते हैं क्या कुछ हमें अंदर मिलने वाला है। तो चलिए करते हैं लिड को ओपन। लिड को ओपन करने के बाद सामने से हमें मिल जाती है AES प्लस बाई LED फॉग लेंस की यहाँ पे ब्रांडिंग, और एक वेल फॉर्म केसिंग हमें हमेशा की तरह इस प्रोडक्ट के अंदर मिल जाती है। बिकॉज जो प्रीमियम प्रोडक्ट होते हैं और जो रिलायबल होते हैं, उन्हीं प्रोडक्ट के अंदर ये वेल फॉर्म केसिंग कंपनीज की तरफ से दी जाती है, क्योंकि एकमात्र यही केसिंग आप तक इस प्रोजेक्टर को सेफली डिलीवर करती है। तो फ्रेंड्स, लिड हटाने के बाद हमें कुछ ऐसे यहाँ पे प्रोजेक्टर बॉडीज देखने को मिल जाती है अलॉन्ग विद द ब्रैकेट्स एंड द स्क्रूज। तो पहले स्क्रूज इसके बाहर निकालते हैं, तो 7-8 यहाँ पे स्क्रू दिए गए हैं इनकी ब्रैकेट को फिट करने के लिए। और 2 हमें यहाँ पे ब्रैकेट मिल जाती है जो कि सुजुकी टाइप ब्रैकेट हम इसको बोल सकते हैं, ये यूनिवर्सल ब्रैकेट भी इनको बोला जाता है। फुली ये ABS प्लास्टिक होती है, गर्म होगी तो क्रैक नहीं होगी, गर्म होगी तो मेल्ट नहीं होगी। और ऑप्शनल में अगर आप लगाना चाहो तो ऐसे ही टोयोटा ब्रैकेट भी इस प्रोजेक्टर के साथ में आप लगा सकते हो, जो कि फुली इस मॉडल के साथ कंपैटिबल है। और बने रहिए इसी वीडियो में, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ प्रोजेक्टर दिखता कैसा है और स्पेसिफिकेशंस क्या है, प्लस इसके रिजल्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मिल जाते हैं 2 एडजस्टर स्क्रूज प्लस स्प्रिंग। इनका यूज़ कैसे होगा मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। और अनरैप कर लेते हैं हम दोनों प्रोजेक्टर बॉडीज को। तो फ्रेंड्स, सामने की तरफ से हमें मिल जाते हैं ये 2 आंख वाले 2 प्रोजेक्टर, जिसको हम बोल सकते हैं डुअल फिश आई बाई LED फॉग प्रोजेक्टर लेंस बॉडी। तो ये 3 इंच का होने वाला है। सबसे बड़ी बात, इसके अंदर 2 लेज़र आई लगी हुई है यहाँ पे, और थोड़ा सा आई कैचिंग सा प्रोडक्ट होने वाला है। और ये ब्लू लेंस है। सारी बॉडी फ्रेम जो है इसका वो फुली एल्यूमिनियम है, डाई कास्टेड है। पीछे AES कार की यहाँ ब्रांडिंग दी गई है। फ्रंट में जो एक मेजर पार्ट यहाँ पे दिया गया है वो ये स्टील का रिंग है जो इसको फिक्स किया हुआ है कंपनी ने, पर ये रिब्ड बॉडी के अंदर आता है और ये ग्लॉसी पेंटेड है। इसके ऊपर ग्लॉस ब्लैक पेंट है और शायद ये डिप्ड है या स्प्रेड है, आई डोंट नो, बट क्वालिटी और फिनिश इन हैंड फील्स बहुत अच्छी है। और ये लेंस जो है ये क्रैक प्रूफ ग्लास इसको कंपनी कंसिडर करती है। और कुछ डिज़ाइन इस प्रोजेक्टर का कुछ ऐसा नया दिया गया है कि कंपनी का मानना है कि हमारे इस प्रोजेक्टर का फ्रंट का पोर्शन हीट होगा ही नहीं। ये सारी जो बुलेट बीड सिंक इसके अंदर दी गई है, एक नए तरीके का एक नई टेक्नोलॉजी डिज़ाइन ये यहाँ पे निकाला गया है कि हीट जो ट्रांसमिट होगी वो पीछे की तरफ से होगी। वेट की बात की जाए तो बहुत अच्छा है इस प्रोजेक्टर का, नियर अबाउट 400 ग्राम्स के आसपास इस प्रोजेक्टर का वेट होना चाहिए। एक्चुअल तो देखो वेइंग स्केल पे पता चलेगा, बट उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि वेट इसकी क्वालिटी को डिफाइन नहीं करता है। ये यहाँ पे इसका एक चिपसेट वाला ड्राइवर दिया गया है जो कि पुली स्टील बॉडी के अंदर दिया गया है, प्लस एक डिटैचेबल कपलर है जो कि आप गाड़ी को रिपेयर कराते समय या बम्पर खोलते समय इसको रिमूव कर सकते हो विदाउट कटिंग एनी वायर। और मेजर पार्ट जो यहाँ पे आता है वो H8 और 9006 HB3 का कपलर यहाँ पे दिया गया है। तीनों सेम होते हैं, कंपेटेबल है। S27 का कपलर भी डायरेक्टली लग जाएगा हल्की मोटी पिन मोड़कर। 2 वायर्स यहाँ पे दी गई हैं। देखो इस वाले कपलर से बाय डिफॉल्ट ये नीचे वाला लेंस ऑन होगा और इन 2 वायर से इसका हाई बीम नहीं ऑन होगा, बट ये 2 लेंस के अंदर पावर आएगी तो ये स्पॉट बीम क्रिएट करेंगे और ये रेगुलर बीम क्रिएट करेगा। हाई बीम जो इसके अंदर यहाँ पे शटर लगा होता है, ये नीचे की तरफ से स्प्रिंगी एरिया जो हम देख पा रहे हैं इस वीडियो में, हाई बीम को एंगेज करने के लिए रेगुलर यहाँ पे पोर्टेड वायर हमें मिल जाती है, जिसको करंट देने से ये रेगुलर लेंस और रेगुलर बीम इसकी जो है वो हाई बीम में एंगेज होगी। तो क्वालिटी की बात की जाए, क्वालिटी इन हैंड्स बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इंटरनेशनल ये प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल ये मॉडल है। AESCar.com की वेबसाइट पे आप इसको चेक कर सकते हैं। AES FX3 इस मॉडल का नाम है। 3 इंच ब्लू लेंस हाइपर बोल्ड LED बॉडी चिपसेट के साथ ये प्रोजेक्टर आता है। और जो मैं मेन आपको बात बताने जा रहा हूँ, नॉर्मली होता क्या, जो हमारे पास नॉर्मल IPS GTR वगैरह के प्रोजेक्टर हैं उनके अंदर जो चिपसेट होते हैं ना, जैसे ये येलो LED अंदर दिख रही है वो 4+1 होती है, जबकि ये जो टेक्नोलॉजी है अब तक की सबसे हाईएस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी ने मार्केट में उतारी है। इसके अंदर 6+3 LED चिपसेट लगा हुआ है। इसकी लाइट आउटपुट वाकई में शॉकिंग है अपने आप में। अभी मैं आपको चला के दिखाने वाला हूँ। चलो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके लिए ना
ये FX3 मॉडल AES का, यहाँ पे कुछ जुगाड़ करके प्रॉपर सेट कर लिया है ताकि रोड प्रेजेंस आपको दिखे और बिना हिलते हुए दिखे। तो मैं अपने ट्राईपॉड पे अपना फ़ोन पहले लगा लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ सामने से हमारा AES का जो प्रोजेक्टर है उसकी आउटपुट क्या निकल के आती है। तो सामने की तरफ अब आप देख पा रहे हो जैसे कि ये सिंगल प्रोजेक्टर की लाइट है, मैंने एक पे हाथ रखा हुआ है। अभी थोड़ा सा ट्राईपॉड में अपना सेट कर ले रहा हूँ और ये सिंगल प्रोजेक्टर की लाइट है और ये मैंने दूसरा हाथ हटाया था, दो प्रोजेक्टर की लाइट आप देख पा रहे हो। तो मैं आपको बेसिकली ना बताना चाह रहा हूँ अभी यहाँ पे क्या है ना, एक प्रोजेक्टर ये है लगा हुआ और एक ये है और थोड़ा सा मैं ट्राईपॉड को शायद अपना पीछे ले सकता हूँ। हाँ, तो ऐसे आप देख पा रहे हो एक प्रोजेक्टर ये लगा, एक ये लगा। मैंने इसके ऊपर हाथ कर लिया, देखो एक की लाइट आप देख पा रहे हो और अब दूसरे की लाइट देखो। तो ये दो प्रोजेक्टर मैंने इकट्ठे चलाए हुए हैं, टाइम की बड़ी शॉर्टेज है यहाँ पे, बिकॉज ये बड़ा बिजी रोड है, मिनट में ट्रॉली ट्रैक्टर यहाँ पे आ जाता है। और ये बंद हो गया और अगेन ये चल गया। ये मारुति वाला मैंने स्विच यहाँ यूज़ किया हुआ है, कंप्लीट वायरिंग में अपने साथ में लेके आया हुआ हूँ, तो कोई हिलने वाला पंगा नहीं है इसके अंदर, कुछ नहीं है। तो मैं आपको अब बताना चाह रहा था, जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये सर्कुलर कट दिया हुआ है, इसमें लाइट हमारी जो है बड़ी फैल के आ रही है और सामने रोड के ऊपर विजिबिलिटी बड़ी तगड़ी है। अभी ये प्रोजेक्टर जो है लो बीम के अंदर वर्क कर रहा है, अगेन FX3 मॉडल है ये। और सामने अगर अब मैं बात करूँ हाई बीम की, तो ये मैंने हाई बीम इसका एंगेज कर दिया और सामने आउटपुट देखो क्या लॉन्ग थ्रो इसके अंदर हमें मिल जाता है। तो लॉन्ग थ्रो इसके अंदर प्रोजेक्टर में निकल के आ रहा है और लाइट बड़ी शानदार है। लिखने को कंपनी ने 6000 केल्विन लिखा जरूर है, बट एक्चुअल में इन आउटपुट ये 5500 केल्विन निकल के आ रहा है, यानी कि 5500 केल्विन। तो कैसा लगा आपको ये LED प्रोजेक्टर कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये इसका लो बीम है, ये हाई है, लो हाई लो हाई। और अभी जो है मैं आपको सिंगल प्रोजेक्टर की भी तार दिखा देता हूँ लगा के, कि सिंगल में हाई बीम कैसा निकल के आता है। आपने क्या करना है, ये जब मैं हाथ रखूँगा इसके ऊपर ऐसे टच करना है, ठीक है, डोंट वरी कोई करंट नहीं आएगा, इस पर टच करना है, ठीक है। तो मैंने अभी एक प्रोजेक्टर पे हाथ रख लिया और भाई करेगा ऑन। चलो आप हाई बीम देखो सामने कितनी तगड़ी निकल के आ रही है, बंद करो चलो। और ये दूसरे प्रोजेक्टर की हाई बीम है, लो करो और ये हाई होगी। तो फ्रेंड्स ये है जो रेगुलर लो बीम, ये लो बीम हो गई रेगुलर इस प्रोजेक्टर की और ये हो गई हाई बीम रेगुलर, ठीक है। ये नॉर्मली सभी प्रोजेक्टर्स में हमें देखने को मिल जाती है। अब बात आती है FX3 के अंदर ऐसा क्या खास है जो इस प्रोजेक्टर को और ज़्यादा मेजर एडवांटेज प्रोजेक्टर बनाता है, जिसकी हमें आज की डेट में ज़रूरत है। देखो अभी क्या हो रहा है ना, लो बीम का थ्रो कहाँ तक आ रहा है, कितनी दूर तक है, अप्रॉक्सीमेट 300 meters मैं इसको बोल सकता हूँ, वैसे ज़्यादा ही होगा बिकॉज कैमरा इतना कैप्चर नहीं कर पा रहा है, बट मैं आपको यहाँ दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ बिकॉज आज मैं अपना ट्राईपॉड साथ लेके आया हूँ ताकि इसमें कोई हिलते डुलते कुछ ना दिखे और प्रॉपर एक वैल्यू कट आपको नीचे दिख पाए, ठीक है। अभी मैं इसके वायर्स जोड़ देता हूँ, अभी मैं हाई बीम इसका हटा दूंगा जैसे मैंने ऑन करके दिखाया। तो हाई बीम वाली वायर अब मैं, क्योंकि मेरे पास एक ही वायर है, तो मैं इसको आपको स्पॉट लेज़र दिखाने वाला हूँ कि नॉर्मल स्पॉट लेज़र इसका कैसे ऑन होता है, लो बीम भी कैसे ऑन होता है और स्पॉट लेज़र भी। बने रहिए इसी वीडियो में। तो फ्रेंड्स मैंने अपनी वायरिंग कर ली है फुली कनेक्ट जिस तरीके से मेरे को ऑन करने के लिए चाहिए थी, और अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये हमारी लो बीम है और मैं इस प्रोजेक्टर को कर रहा हूँ बंद क्योंकि स्पॉट लेज़र ऐसे डायरेक्टली तो नहीं दिख पाएगी, तो ये प्रोजेक्टर मैंने कर दिया है बंद और अब इसके बाद मैंने ये करी अपनी स्पॉट लेज़र कनेक्ट। तो स्पॉट लेज़र किस काम में आती है आप देख पा रहे हो, मोर देन 500 meters कोई ऑब्जेक्ट अगर सड़क के बीच में है, कोई गाय भैंस डंगर बच्चा कुछ भी है, कुत्ता बिल्ला XYZ कुछ भी ऑब्जेक्ट है अगर सड़क के बीच में, तो ये वहाँ पे ये स्पॉट लेज़र काम में आती है जो दूर तक का ऑब्जेक्ट आपको शो करेगी, ठीक है। एक बार पकड़ना इसको यहाँ वायर को, और ये मैंने कनेक्ट कर दिया अपना लो बीम और मैंने ये हाई बीम प्लस स्पॉट लेज़र निकाल ली है। और अगेन अब यहाँ से मैं करने जा रहा हूँ अपना हाई बीम, हाई बीम के साथ ही मैंने स्पॉट लेज़र कनेक्ट कर ली है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो अगर इस जगह पे, इस पर्टिकुलर ये वाली लाइन जो है ये सी शेप में बन रही है और एक ये कट है, ये राउंड कट जो मतलब ये सी शेप में लाइन है। जो सी शेप वाली लाइन है ये जब आपका हाई बीम एंगेज हो रहा है विद स्पॉट लेज़र तो उसके साथ ये दिखाई देगा, ये लो बीम हो गई है और ये अगेन हाई बीम हो गई है।
तो ये बुलेट वाले भाई निकले थे, मैंने वीडियो बीच में पोस्ट कर दी थी, पूछ रहे थे वो कुछ, तो भाई को लाइट बड़ी पसंद आई। थैंक यू वेरी मच ब्रो, आप जो भी थे, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी आपका शुक्रिया। आप भी भाई की तरह ही चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो यार, इतनी मेहनत लगती है आपके लिए कॉन्टेंट बनाने में प्लस प्रोडक्ट लाने में। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये हमारी लो बीम है, उसके बाद में लो बीम के साथ हमने स्पॉट लेज़र प्लस हाई बीम इकट्ठी कनेक्ट कर दी है। तो हाई बीम तो हो ही रही है, हाई बीम होने के बाद में सामने देखो क्या विजिबिलिटी हमें मिल जाती है। तो ये FX3 मॉडल था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और कमेंट सेक्शन आपके एक्सपीरियंसेस को सुनने के लिए हमेशा मेरा खुला रहता है। तो मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो में।